माँ काली माँ भवानी का जितना बखान करे उतना ही कम है। माँ ने हमेशा ही अपने भक्तों की रक्षा की है, फिर चाहे वह किसी प्रकार का डर हो या मृत्यु का भय हो, माँ अपने भक्तों की हमेशा ही रक्षा करती है। माता काली स्वयं यमराज की दक्षिण दिशा की स्वामिनी है, इसलिए तो कहा जाता है कि माता काली के भक्तों को मृत्यु का भी भय नहीं रहता है। जो भी व्यक्ति माँ काली की भक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ करता है, वह जिस भी चीज की कामना करे उसकी हर इच्छा फलित होती है। माता काली के भक्तों में एक अलग ही प्रकार की दिव्य शक्ति देखने को मिलती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निष्ठा ध्वनि की इस खास पेशकश में। हमारी हर वीडियो में हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आप तक रहस्यमय जानकारियों को आप तक पहुंचा सकें, और आज इसी कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं माँ काली के एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में। वैसे तो देश भर में माता काली के कई मंदिर स्थित हैं, लेकिन मुख्य रूप से कोलकाता में माँ काली के अत्यधिक मंदिर देखने को मिलते हैं। कोलकाता शहर में माता का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर स्थित है जिसकी महिमा अपरंपार है। माता काली के इस मंदिर को काली घाट के नाम से जाना जाता है। कोलकाता का यह मंदिर हजारों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र व प्रमुख तीर्थ स्थल है। मंदिर होने के साथ साथ यह मंदिर एक दिव्य शक्तिपीठ भी है। शक्तिपीठ वह स्थान है जहां माता सती के अंग के टुकड़े, आभूषण व कपड़े आदि गिरे थे। वहां जागृत रूप में मां स्थापित हुई थी, इसलिए शक्तिपीठ की प्रसिद्धि इतनी अधिक बढ़ जाती है कि देवी पुराण में कुल 51 शक्तिपीठों के बारे में बताया गया। उनकी 51 शक्तिपीठों में से एक है यह काली घाट मंदिर। आइए अब आपको इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में माता सती के दाएं पांव की 4 उंगलियां गिरी थी। इस मंदिर में स्थित माँ की मूर्ति इससे सभी मंदिरों से अलग बनाती है। बता दें आपको, आज यह जगह काली भक्तों के लिए सबसे बड़ा मंदिर है। माँ की प्रतिमा में जीवा सोने की है जो कि बाहर तक निकली हुई है। काली मंदिर में देवी काली के प्रचंड रूप की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में देवी काली भगवान शिव की छाती पर पैर रखी हुई है। उनके गले में नरमुंडों की माला है, उनके हाथों में कुल्हाड़ी और कुछ नरमुंड है, उनकी कमर में भी कुछ नरमुंड बंधे हुए हैं, उनकी जीभ निकली हुई है और उनकी जीभ में से कुछ रक्त की बूंदे भी टपक रही हैं। माँ काली का विकराल रूप इस मंदिर में देखने को मिलता है, जिसे देखने देश भर से लोग यहाँ आते हैं। माँ की इस प्रतिमा के बारे में भी कहा जाता है कि इस प्रतिमा का निर्माण दो संतों आत्माराम ब्रह्मचारी और ब्रह्मानंद गिरी ने किया था। पत्थर को तराश कर बनाई गई इस माँ काली की इस प्रतिमा की 3 बड़ी आंखें हैं, साथ ही 4 स्वर्ण भुजाएं भी हैं। वहीं आपको यह भी बता दे, मोनोशा ताल, जोर बंगाला नट मंदिर, हरकत ताल और राधा कृष्ण मंदिर भी काली घाट मंदिर का ही हिस्सा है। मंदिर परिसर में ही कुंडूपुर स्थित है जो एक जलकुंड है। यह तालाब संतान प्राप्ति की अपनी आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब आगे हम आपको यह भी बता दें कि माता का मंदिर स्थापित कैसे हुआ। तो एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार एक भक्त ने भागीरथी नदी से प्रकाश की उज्ज्वल किरण देखी। उसने प्रकाश स्थित किया और एक मानव पैर की उंगली के रूप में पत्थर के टुकड़े की खोज की। इसके आसपास के क्षेत्र में उन्होंने नकुलेश्वर भैरव का एक स्वयंभू लिंगम पाया। इन छवियों को उसने छोटे से मंदिर में रखा और जंगल में इनकी पूजा करने लगा। मंदिर की लोकप्रियता समय के साथ साथ बढ़ती गई और इस तरह कालीघाट मंदिर को मान्यता मिली। कालीघाट मंदिर की स्थापना सन 1809 में हुई थी। यह मंदिर कोलकाता के
स्वर्ण राय चौधरी नामक धनी व्यापारी के सहयोग से पूरा हुआ था। इसके अलावा 15वीं और 17वीं शताब्दी की कुछ रचनाओं में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। कालीघाट मंदिर में गुप्त वंश के कुछ सिक्के मिलने के बाद यह पता चलता है कि गुप्त काल के दौरान भी इस मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना बना हुआ था। कोलकाता के कालीघाट मंदिर के बारे में सबसे खास बात यह है कि पहले मंदिर हुंगली, जिसे भागीरथी भी कहा जाता है, के किनारे स्थित था, लेकिन समय के साथ भागीरथी मंदिर से दूर होती चली गई और यह मंदिर आदि गंगा नाम की नहर के किनारे पर स्थित है, जो अत्यंत हुगली नदी से जाकर मिलती है। तो आज हमने आपको माँ के इस अद्भुत मंदिर के बारे में बताया। इस मंदिर में माँ का रूप इतना विकराल देखने को मिलता है, इसलिए कहा जाता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में जाए वह संभल कर जाए। आशा करते हैं आज की यह पेशकश आपको पसंद आई हो।